सऊदी अरब में कानून तोड़ने के लिए बहुत कड़ी सजा दी जाती है, और यह सजा इतनी कठोर होती है कि इसमें व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि सऊदी अरब में इतने सख्त कानून है कि लोग जुर्म करने से भी डरते हैं। लेकिन आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो यह बात जानते होंगे कि किस जुर्म के लिए क्या सजा होती है। तो चलिए आज हम आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि पिछले साल में सऊदी अरब में 153 लोगों को मौत की सजा दी गई थी, और ये सभी सजाएं मर्डर, ड्रग्स, रेप और रॉबरी जैसे मामले में दी गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 के मुकाबले 2016 में कम मौत की सजा दी गई थी। 2015 में 158 लोगों को मौत की सजा दी गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में किस अपराध के लिए क्या सजा दी जाती है। नंबर एक, गुनहा, ईशनिंदा या जादू टोना, सजा मौत। नंबर दो, गुनहा, राजद्रोह या आतंकवाद, सजा मौत। नंबर तीन, गुनहा, रैप या समलैंगिकता, सजा मौत। नंबर चार, गुनहा, इरादतन या गैर इरादतन हत्या, सजा मौत। नंबर पाँच, गुनहा, शराब पीना, सजा 500 कोड़े। नंबर छः, गुनहा, शादी के बाद अवैध शारीरिक संबंध, सजा पत्थर से मारकर मौत देना। नंबर सात, गुनहा, शादी से पहले अवैध संबंध, सजा 100 कोड़े। नंबर आठ, गुनहा, चोरी या लूटपाट, सजा दाया हाथ काटने की सजा। नंबर नौ, गुनहा, चोरी और लूटपाट के साथ हत्या, सजा मौत। नंबर दस, गुनहा, ड्रग्स की स्मगलिंग और इस्तेमाल, सजा कोड़े मारने से लेकर मौत तक। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।